खुद का हाल जाने, क्यों अनजाना हुआ है मुझसे तू। हम तो हारे बस तेरे ही आगे, थे दीवाने तेरी अदा पे यूं। साथ जो तेरा मिल जाए, खुशियाँ सभी मुझको मिल जाए। मैं तो बस चाहूँ पुरानी तस्वीर थी वो भी ले गई। नमक खाया था, करम के लिए कुछ तो लिहाज कर ले। मैं तो कब से कहते कहते थक गई कि घर के मुलाजमों पे जरा खींच कर रखना चाहिए, लेकिन हमारी सुनता कौन है यहाँ। और कुछ सोना भी ले गई है। घर में जवान बच्चियां हैं, बिल्कुल ठीक कह रही है मलिया। हमारी सुनता ही कौन है, ना जांच ना पड़ताल ना कोई जमानत, बस जिसका जी चाह घर आया और लग गया नौकरी पर। मैं तो कहता हूँ भाई साहब अभी भी देर नहीं हुई, थाने चलते हैं, पुलिस सब कुछ खुद ही पता लगा लेगी। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है और आज तो बिल्कुल नहीं है। लड़के वाले आ रहे हैं वक्त को देखने के लिए, पुलिस घर में नहीं आएगी। हाँ सही कह रहे हैं आप भाई साहब, लेकिन वक्त के रिश्ते तो आते रहते हैं। चोरी पहली दफा हुई है ना घर में, लाखों रुपए का सामान चला गया है। मामूल की बात के लिए गैर मामूली बात को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। पुलिस घर में नहीं आएगी तो नहीं आएगी। जुबैर से मेरा बचपन का रिश्ता है, बात तकरीबन हो गई है। और रही बात तुम्हारे फोन की, तो वो वक्त से ज्यादा कीमती नहीं है। नहीं मैं तो वैसे ही कह रही थी, आप बड़े हैं, जैसे आपकी मर्जी। तूबा को इतला दी किसी ने? जी हाँ, मैंने परसों उसको बता दिया था। लड़का 12 साल से 12 एक महीने के लिए आ रहा, शादी करके वापस जाने का इरादा। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस दफा बात पक्की हो जाएगी। भाई साहब मैंने एहतियातन एक महीने के लिए पड़ोस वाला घर किराए पर ले लिया। हाँ गुड। और मुन्नी क्यों यूं मुंह मसूरे बैठी हुई है? आपको पता है अभी भाई साहब ने मुझे नया फोन लेके दिया था, वो भी लेके चली गई। और पता है 15 साल लगे थे मुझे शान के इतने सारे पोस्टर जमा करने में, सब चले गए। और पता है मेरे फोन में कितनी मेरी खूबसूरत तस्वीरें थी, ऐसे 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 करके मैंने खींची, सब चली गई। अपना दिमाग दुरुस्त कर, तस्वीरों की बजाय अगर बावर्ची खाने में ध्यान दिया होता ना तो आज यूं बाप के घर में ना बैठी हुई होती। क्या बावर्ची खाने में? ए, बच्ची ने यूनिवर्सिटी जाना है, देखो तो सबके लिए वो चाय बनाती फिर रही है। और ये है कि तस्वीरों का काम गलत कर रही है। देख रहे ना भाई साहब, देख रहे ना, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, जा रही हूँ मैं। मेरी बात ना गौर से सुनो, ये स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज सब बकवास बातें, कुछ काम नहीं आता। मेरा हर्षद देख ले,
अंधी, जैसे मैं के वैसे ही पैकेट। एक साल के बाद ही घर वापस आ गई थी, पता है ना, वहां कोई इज्जत मिली और ना यहाँ। अब देखो ना, जो नाराज होता है वो मेरे सर पे सवार हो जाता है। हद हो गई भाई। मुन्नी फुफो, आपको ना थोड़ा पढ़ना चाहिए था। आज आप भी अपने पैरों पे खड़े होती तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता। अब वक्त आप ही को देखे ना, एजुकेशन कम्प्लीट होगी तो ही बड़ा अब्बा उनकी शादी करवा रहे हैं ना। वैसे मैंने तो आप ही से सीखा है कि पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो फिर शादी वादी, वरना ना बहुत बुरा असर होता है। निकल निकल यहाँ से, चलो निकल, तेरी जरूरत नहीं मुझे। बढ़िया ही सबक सिखा रही है मुझे। नमक डालना भूल गई ना तू? घर क्यों कहते हैं इसे? तालुके का दर्जा दे इस घर को। पहले से इतने लोग, अब और लोग दम निकाल कर जान छोड़ेंगे। मुंह कम और हाथ ज्यादा चला, समझा? नहीं ता, तू खुद बोलिए कहाँ की शराफत है भाई। चोरी करे कोई और, शक जाए हम पर, गधे की तरह पिसे भी हम और चाबुक भी हमारी कमर पे। देख बड़े साहब के होते हुए हम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तू काम में हाथ चला, थोड़ी देर में खाने का वक्त भी होने वाला है। हाँ, अभी थोड़ी देर में दिन के खाने का वक्त, फिर शाम की चाय, फिर उसकी थोड़ी देर में रात के खाने का वक्त। अभी बर्तन धोकर आंख लगी नहीं होगी कि मुर्गे देने लगेंगे बांगे। अल्लाह जाने किस गुनाह की सजा है। हमने रहने का बंदोबस्त कर रखा है। अरे जानता हूं तुम बाहर से नहीं आ रहे, बेटा बाहर से आ रहा है, लेकिन हमारी भी तो कुछ ट्रेडिशंस है ना। अगर तुम कराची में रह रहे होते तो हम तुम्हें कभी इसरार ना करते। अब जल्दी से बताओ कि मेहराब की फ्लाइट कितने बजे की है? ओ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो रात का खाना साथ खाएंगे। खुदा हाफिज। लो भाई, रात को 9 बजे आ रहे हैं और इस बार कोई भूल चुक नहीं होनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा। वो तो ठीक है, पहले बात तो पक्की हो जाने देते। पहले से ही सबको बुला रखा है, पड़ोस वाला घर भी किराए पे ले लिया है। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या ठीक नहीं लग रहा? तूबा मेरी बहन है, तुमने सायका को बुला रखा है तो मेरा मतलब है कि बेटी दे रहे हैं तो मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। वो सब तो ठीक है, मगर आप एक बार वक्त से तो बात कर लेते। पिछले तीनों लड़के भी एक बार देख कर गए और वापस नहीं लौटे। अगर इस बार भी कुछ ऐसा वैसा हुआ ना तो बड़ी जगह सही होगी। फरमा बरदार बच्ची है, एक दफा हाँ कह चुके हैं उसे, बार बार क्या पूछना। मगर इस बार बात कुछ और है। याद नहीं है जब जुबैर कराची में रहता था तो मेहराब इसी घर में सालों खेल कूद कर बड़ा हुआ है। मेहराब और बख्त एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तुम फिक्र मत करो। लेकिन मैं कह रही थी। लेकिन कुछ नहीं, तुम रात के इंतजाम पर ध्यान दो, मैं फैक्ट्री जाकर तुम्हें कुछ पैसे भिजवा रहा हूँ, ठीक है? कहाँ हो यार, कल रात से फोन कर रही हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अर्जेंट। चलो ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं और प्लीज टाइम पे पहुंच जाना। चलो ओके, टेक केयर, बाय। बस बहुत प्यारी लग रही हो। आज रात को आ रहे हैं लड़के वाले? जी बताया था आपने कल। रेडी रहूंगी मैं फिर किसी गधे के सामने पेश होने के लिए। कैसी बातें कर रही हो बाग, हम तुम्हें किसी आड़े टेढ़े के हवाले थोड़ी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और पता है अम्मी, मुझे तकलीफ तब होती है जब ये आड़े टेढ़े ना मुझे रिजेक्ट कर देते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ना मैं इन उल्लुओं को दरख्त पर लटकना सिखा दूं, मैं सिर्फ बाबा की वजह से चुपचाप आकर बैठ जाती हूँ। अगर बाबा को हार्ट अटैक नहीं आया होता ना तो फिर कोई करके दिखाता मेरी इंसल्ट। हाँ मगर वो ऐसा नहीं है, मेहराब को तो तुम बचपन से जानती हो, उसके साथ खेलती थी और फिर जुबैर भाई के साथ हमारे बड़े अच्छे तालुकात रहे। इंशाल्लाह इस बार तुम्हारी बात भी पक्की हो जाएगी और मुझे उम्मीद है तुम अपने घर भी चली जाओगी।
अगर इतनी जल्दी थी मुझे अपने घर भेजने की तो फिर मुझे इस पराए घर में पैदा क्यों किया, इतना पढ़ाया क्यों? और अगर बचपन में मैंने उसके साथ खेलने की गलती कर दी इसलिए उम्र भर वो मेरे साथ खेलेगा? कैसी बेतुकी बातें कर रही हो बक? इफी जी आपी रुक जा, साथ चलते हैं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? कॉफी पीने। सुनो वापसी में पॉलर से होती भी आना। कौन सा यहाँ पे किसी शहजादे ने आना जिसकी वजह से मैं सिंड्रेला बनूं? और हम दोनों को अंजाम पता है तो मैं तैयारी क्यों करूं? इतना ही एतराज है ना तो जाओ अपने बाबा को जाके ये बात बोल दो, उनके सामने तो तुम भीगी बिल्ली बनी रहती हो। चले फिर। अरे अब क्या किया मैंने? सैर सपाटे पे आयो? ये क्या लंगूर की तरह गर्दन बाहर निकाल के बैठे हो? तमीज से सीधे होके अंदर होके बैठो। और हाँ कान खोल के सुन लो, खाल में रहना, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी असलियत दिखाने की कोशिश की ना फिर देखना। ये तरीका ठीक नहीं है, अब तुम हाथ उठाओगी मुझ पर इकलौता दामाद हूँ, ये इज्जत है मेरी? तुम तो इस इज्जत के भी लायक नहीं हो, निकम्मे निठल्ले। मेरे भाइयों का एहसान मानो कि हमारे घर पे चूल्हा जलता है, वरना फाको मरते मेरे बच्चे। और ये ओहो, ये जो तुम्हारी हड्डियों पे गोश्त है ना, हमारी वजह से है। आई समझ? आ गई समझ, बड़ा समझते हैं, इसीलिए तो आज बुला रहे जिस दिन लड़के वाले आ रहे। अगर सचमुच कुछ समझते ना तो 3-4 दिन पहले बुलाते, हमसे मशवरा करते। रिश्ते में बहन हो ना तो बस रिश्ता निभाया जा रहा है। खबरदार खबरदार, जो ये अपनी बीज मालों वाली हरकतें की वहां चल के, बच्चे जवान हो गए, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए मुझे आंखें दिखाती रहती हो तुम हर वक्त। आंखें निकालो तुम्हारी। जिंदगी गुजर गई आपको समझाते समझाते और क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। भाई साहब ने ऑर्डर दिया और सब चुप। असर इतना जो नुकसान हुआ उसका कोई हर्जाना नहीं। मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हम अपने ही घर में भाई साहब के किराएदार बनकर रह रहे हैं जी। बड़ा एहसान होगा अगर कोई टच वाला मोबाइल भिजवा दे, ये वाला तो वेंटिलेटर पे जिंदा है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, शादी हो ना हो आपस बंटवारे का। हेलो, बंटवारे का सुनते ही यहाँ सिग्नल चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए कफी भैया? आए कहाँ भाई, बुलाए गए। बहू और दामाद की कोई इज्जत नहीं है, डुगडुगी बजाई जाती है, नाचते हुए आ जाते हैं। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, उम्र गुजर गई, बस कदर ना हुई मेरी। सच्चे लोगों की कदर नहीं है कसरे नाज में। और बंटवारा, बंटवारा तो हमारे लिए बिल्कुल ऐसी है जैसे बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े। वही तो भाई, सबको हिस्सा दे, सब अपने अपने घर खुश। अब तो कारोबार भी वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, और इतना बड़ा घर संभालना आसान है भला? मैं तो अजहर के पीछे पड़ी हुई हूँ, आप भी तुबा के कान खड़े करवाए ना। अरे मेरी चलती का है उनके सामने, घर का इकलौता दामाद हूँ, लेकिन मेरी मिसाल वही जैसे धोबी का। छोड़ो अब क्या अपने आप को जानवर से मिलाओ, शादी अटेंड करने आए हैं, शादी अटेंड करके चले जाएंगे। हो ही ना जाए शादी। क्या मतलब हो ही ना जाए शादी, कोई बात है क्या? किसी को बताएगा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त का चक्कर कहीं और चल रहा है। पहले भी 3 लड़के आए थे, वक्त से मिले बाहर आए और मना कर दिया। अब ताड़ने वाले तो कयामत की नजर रखते हैं ना। मैंने खुद 2 बार किसी लड़के से उस तरह की बातें करते सुना। उस तरह की बातें? कफी भैया बात अभी राज है, देखिए आपको अपना जान के बताया है, आप किसी को मत बताइएगा, बस चुपचाप तमाशा देखें। किफायत। हाँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे पास भी बहुत मजे मजे की बातें तुम्हें बताने के लिए, बाद में मिलते हैं। नहीं नहीं कफी भाई, ये बात किसी से नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये बात सिर्फ सारे कराची तक रहेगी। मुझे क्या पता था कि बख्त आप ही अपने सीन में मुझे भी घसीट लेंगी। नहीं मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं अलग टेबल पर हूँ। तुम बात को थोड़ा समझने की कोशिश तो करो।
मेरी शादी तय हो रही है। शादी समझते हो? मैं किसी और के होने जा रही हूँ। अरे तो उसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? जिस तरह पहले लड़कों को भगाया था, इसे भी भगा देना, सिंपल। पहले वाले लड़के रैंडमली मुझे देखने आते थे, ये केस जरा डिफरेंट है। बाबा के दोस्त का बेटा है, बचपन में मेरे साथ खेला है। बाबा ने तो बराबर वाला घर भी रेंट पे ले लिया उन लोगों के लिए। इस बार मेरे मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम शोर तुम हैंडल कर सकती हो, मुझे तुम्हारी काबिलियत में पूरा भरोसा है। इस बार नहीं कर सकती। लड़का लंदन से आ रहा है शादी करने। प्लीज समझो, मामला बहुत सीरियस है। देखो, तुम जानती हो मेरी कुछ मजबूरी है, और ये बात हमें तय हो चुकी थी कि तुम मुझे कुछ टाइम दोगी। अबे यार, कुछ टाइम करके 6 महीने गुजर गए हैं। कब खत्म होगा तुम्हारा ये कुछ टाइम? बहुत जल्द, बहुत जल्द। हुनैन, मैं तुम्हारा आखिरी वक्त तक इंतजार करूंगी। अगर तुम नहीं आए तो फिर सारी जिंदगी मेरा इंतजार करते रहना, मैं नहीं आने वाली। वक्त मेरी बात। आप ही थोड़ा आहिस्ता चलाए ना, घर ही तो जाना है ना, हॉस्पिटल तो नहीं। अब क्या हुआ, मना कर दिया क्या उसने? एक बात मेरी याद रखना है, कुत्ता पाल लेना मगर मोहब्बत मत करना। एक बार तुझे मोहब्बत हो गई ना तो बस तुझे फिर इशारों पे नाचना पड़ेगा। तेरी कोई मर्जी, कोई ख्वाहिश, कुछ नहीं। बस जो वो कहेगा वही तेरी मर्जी, वही तेरी ख्वाहिश। जहन्नम बन जाएगी जिंदगी। सो तो है, आप ही अगर आप किसी और को पसंद करती हैं तो बता दें बड़े अब्बा को। ये जो माँ बाप होते हैं ना, इन्हें पता होता है कि औलाद को ब्लैकमेल कैसे करना है। बाबा को हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हुआ, मगर दिल पर हाथ मेरी शादी से इनकार की बात पर रखते हैं। पर आप ही वो घर क्यों नहीं आता बड़े अब्बा से बात करने? बस यार, मजबूरियां हैं बेचारे की। मजबूरियां तो हमारी भी हैं, लेकिन नहीं, उनकी मजबूरियां मजबूरियां, हमारी मजबूरियां नखरे। कसम से दिल कर रहा है। और वो जो आ रहा है, सुना है इस बार बात पक्की है? खदा है यार वो, ऐसा होता है क्या? चलो बड़े तो पुराने दौर के, लेकिन वो तो लंदन से आ रहा है, ऐसे थोड़ी शादियां होती हैं। हाँ ठीक है, आप कह रही हैं तो खदा ही होगा। सफर तो अच्छा गुजरा बाबा, बस वो फ्लाइट लंबी होने की वजह से ना थकन हो गई है थोड़ी सी। बाबा, मैं सोच रहा था कि अगर लड़की देखने हम कल परसों चले जाए तो। कल परसों क्यों? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा थक गया हूँ मैं बस, और तो कोई बात नहीं है। बेटा अभी बिना घर जा रहे हैं ना, वहाँ खाना वाना खा के थोड़ी देर आराम कर लेना। अब तुमने कौन सा आज ही घोड़ी चढ़ना है, आज सिर्फ लड़की देखने जा रहे हैं, थकावट का कोई काम नहीं। नहीं बाबा, ये सारा प्लान मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब है, हम उनके घर जाके रहेंगे, सब कुछ पहले से प्लान करना, हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। नहीं बेटा, बीना का बहुत छोटा फ्लैट है, उसने तो कई दफा जिद की कि हम उसी के पास ठहरें, लेकिन इतने लोग वहाँ एडजस्ट कैसे करेंगे? अब किराए से छोड़े मुझे बहुत अरसा हो गया है, अब सार मेरा दोस्त है, उसने घर किराए पे ले लिया है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि मैं उसका किराया खुद दे दूं। बाबा आप किराया तो आप देंगे, मगर बेटा तुम तो बचपन से वक्त को जानते हो। बचपन से नहीं, बचपन में जानता था मैं। कोई प्रॉब्लम है? अगर कोई बात है तो तुम हमसे कर सकते हो। कहीं तुम भी बाहर जाके बाहर के लड़कों की तरह, लड़कियां अच्छी लगती हैं ना? बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, हम आज ही लड़की देखने जाएंगे, आइए चलें। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन मैंने केरल से लाने का कहा था। आप ही केरल का पूछ रही हैं?
आप ही कैरल का पूछ रही है? वो यूके में कैरल है नहीं। क्या बात है, कोई परेशानी? अरे भाई यूके में नहीं है तो क्या हुआ, दुबई में तो है ना, ड्यूटी फ्री से ले आते। मेरी फ्लाइट वाया टर्की थी। क्या बात है बता। मीराब जरा देखो बेटा ये सेटिंग कैसी है। जी अच्छी है। लो भाई मीराब ने तो अप्रूव कर दिया। तो बस ठीक है ना, फिर फाइनल कर दे। हाँ फाइनल कर देंगे इसको। शादी हो रही तेरी, थोड़ा खुश हो जा, कोई बात है तो बता, शेयर कर। क्या बताऊँ, बोलने देते हैं ये लोग मुझे, लड़की दिखाने लेके जा रहे हैं मुझे, और यहाँ बैठ के स्टेज की डेकोरेशन भी फाइनल कर चुके हैं, समझ रहे ना? इसका मतलब है मेंटल टॉर्चर। मतलब अगर लड़की मुझे अच्छी लगी तो भी अच्छी लगी, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी अच्छी ही लगी, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। लड़की दिखाना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इन्होंने तो मेरे बच्चों के कमरे का फर्नीचर भी फाइनल कर लिया हुआ है यार। मतलब ये शादी मुझे करनी ही करनी है, अगर लड़की मुझे पसंद आई तो बता क्या करूंगा मैं। बोल ऐसा होता है कभी? बोल होता है ऐसा? अगला ही भला करे तेरा भाई। अभी कभी फैसला होगा हमारी इस घर में कोई इज्जत है भी कि नहीं है। अगर मेरे बच्चों को अलग कमरा नहीं मिला ना तो हम इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। हाँ तू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक सड़क छाप के पीछे रिजेक्ट कर रही है। बैरी है क्या, सुनाई नहीं दे रहा? MBA किया है, जॉब ढूंढ रहा है, अच्छी फैमिली से। मुन्नी बाजी तो आप लोगों के साथ रहती हैं, ऐश में है। मैंने क्या कसूर किया, टका टके पे रखकर खर्च करना पड़ता है, और यहाँ अंदर जाके देखें कैसे कैसे खाने पक रहे हैं, मेहमानों के लिए तोहफे आ रहे हैं, और तो और भाभी के कमरे में जाकर देखिए थैलियां ही थैलियां हैं नए जोड़ों की, और मैं ये छिछड़े लहराती हुई आ गई हूँ। अम्मा मेरा मुंह देखें, ये मुंह लेकर जाऊंगी मैं लड़के वालों के सामने। वो आ रही है ना पार्लर वाली, उससे मेकअप करवा लेना। अच्छा फिक्र ना करो, पैसे मैं दे दूंगी। और बात सुनो, यहाँ कोई ठाट नहीं है मेरे, तुम तो शौहर के साथ घर में रहती हो ना, उसके सुख की तो कदर ही नहीं है तुम्हें। यहाँ भाभियों के साथ चार दिन गुजारो ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। माफ कर दो बहन, ये बैठा हुआ है, रख लो कुछ दिन को इस घर में, सब सुख दुख पता चल जाएंगे तुम्हें। मैं कहती हूँ अम्मा, अम्मा मेरा खर्चा बढ़ाओ, वरना मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहीं आ जाऊंगी। हाँ देख रही है अम्मा, ये इज्जत है शौहर की, मजाजी खुदा हूँ और ये सलूक होता है मेरे साथ, अब तो किसी के सामने भी लिहाज नहीं करती है। मजाजी खुदा, शादी पे फिट होकर नहीं मिलता शौहर में, कमा कर कहलाना पड़ता है, और फिलहाल ये काम मैं कर रही हूँ, इसलिए तुम ना चुप ही बैठो। अच्छा अच्छा बस करो, वक्त की तरह शादी हो जाए तो मैं अफसार से बात करूंगी, बढ़ जाएगा तुम्हारा खर्चा। अम्मा जान मैंने सुना है कि वक्त शादी के लिए राजी नहीं है। है? हाय हाय कफी भैया क्या कह रहे हैं आप, मगर मैंने तो सुना था कि वक्त की मर्जी से शादी हो रही है। किसने कहा आपको? मना किया था ना, किया था ना मना कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, किसने कहा है तुम्हें ये? अरे किसी ने नहीं कहा, बस मैं तो ऐसे ही अंदाजे लगा रहा था। हैं? खबरदार खबरदार, जो पूरे से भी कोई अंदाजा लगाया टैक्सी करा के ना घर भिजवा दूंगी, आई समझ? खाना लग गया अम्मा जी, तुम आओ। भाभी अब भाभी कुछ गड़बड़ है क्या? गड़बड़ नहीं, नहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है। नहीं वो ऐसे ही सुना था कि शायद वक्त रिश्ते के लिए राजी नहीं है, ऐसा है क्या? सुनी सुनाई बातों पर मत जाया करो, बात तकरीबन पक्की ही समझो, आज खाना ठंडा हो रहा है। मुन्नी बाजी बड़ी गुन्नी है हमारी ये भाभी, बड़ी गुन्नी है, मुझसे पूछो कैसे गुजारा करती हूँ उनके साथ। अगर तुम दोनों का गीबत से पेट ना भरा हो तो चंद लुक में डाल लो दोजख में। जी अम्मा। देख रही हो कैसे मुंह सड़ा के बैठे हैं, मुझे तो कफी भैया की बात सच लग रही है, जरूर दाल में कुछ काला है। बात तो मुझे भी सच्ची लगी थी, तभी तो मैंने भाभी से पूछा था, देखा था
कैसे तोते उड़ गए थे भाभी। भाई वो मेहमानों के रहने का बंदोबस्त हो गया? जी, कफी भैया और तोबा तो गेस्ट रूम में रहेंगे और बिनिश मुन्नी के साथ एडजस्ट कर जाएगी और एहसन बाहर लाउंज में ही सो जाएगा। क्यों, मेरे बच्चों को क्यों लाउंज में और मुन्नी के कमरे में रहना पड़ेगा? अरे दूसरा कमरा भी तो है, वो मेरे बच्चों को दे दे। वैसे भी आपके मेहमानों के लिए तो अलग एक बंगला किराए पे लिया गया है, मेरे बच्चे यूं दरबदर नहीं भटकेंगे। हाँ हमें तो ससुराल में कभी इज्जत मिली नहीं, लेकिन मैं अपने बच्चों को धक्के खाने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। तुम चुप रहो। भाभी मेरे कमरे में तो पहले ही इफ्फत रह रही है और आप बीनिश को भी ठूस रही है, इतनी जगह नहीं है। मेरी बच्ची का नाम मत लो मुन्नी। चलो जी फिर शुरू हो गए हैं लोग। हाँ तो सही तो कह रही है मेरी अम्मी, हम क्यों किसी के साथ एडजस्ट होंगे, हमें अपना कमरा चाहिए। अम्मा अभी का भी फैसला होगा, हमारी इस घर में कोई इज्जत है भी कि नहीं है? अगर मेरे बच्चों को अलग कमरा नहीं मिला ना तो हम इसी वक्त इस घर से चले जाएंगे। हाँ वाह बैठ जाओ। बहू तुम कमरा दे क्यों नहीं देती? दे? आपको भाभी से इजाजत लेनी पड़ेगी। अब देखो तूबा, मेरी बेटी की शादी है, सायका भी आ रही है फैसलाबाद से, एक कमरा तो उसे भी चाहिए ना, और उसकी बेटी को भी मुन्नी के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब तुम कहो तो सायका को मैं लाउंज में सुला देती हूँ और कमरा तुम्हारे बच्चों को दे देती हूँ। नहीं बाप के घर में बस। मेरी बेटी की शादी है और मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता। जितना तुम्हारे अब्बा की जायदाद में से तुम्हें मिलना चाहिए था उससे 3 गुना ज्यादा मिल गया और आइंदा भी देता रहूंगा, लेकिन मेरी बेटी की शादी में रखना मत अटकाना। देख रहा हूं। देख रहा हूं मगर शायद तुम लोगों ने सुना नहीं कि भाई साहब ने क्या कहा। उम्मीद करता हूं आइंदा ये सब कुछ देखने को ना मिले। आप ही अब क्या होगा? कुछ नहीं, तू जानती नहीं है पप्पू को, कहीं नहीं जाने वाली। सैलेड पास कर। अब क्या किया मैंने? कुछ क्यों नहीं किया तुमने, हमें बेवकूफ समझा हुआ है तुमने। यार कुछ करो तो मुसीबत, कुछ ना करो तो मुसीबत। मैंने तुमसे कहा था ना कि वापसी में पॉलर से होती भी आना, अभी थोड़ी देर में लड़के वाले भी आने वाले, घर में खानदान के सभी लोग आ गए, तरह तरह की बातें कर रहे। अरे अपना नहीं तो हमारी ही इज्जत का ख्याल कर लेती तुम, अब हंस क्यों रही हो? क्योंकि मुझे इसके बाद की लाइन याद है और उसके आगे की भी। अब क्या बार बार एक ही ड्रामे की रिहर्सल करूं? आप रिलैक्स करें, मैं तैयार होकर आ जाऊंगी। कमाल करती हो तुमने, हर बात को तुमने मजाक बनाया हुआ है। अरे कल को शादी होगी, ससुराल नहीं जाना क्या तुम्हें? हाँ हाँ कल को ससुराल जाओगी, वहां तुम्हारी माँ नहीं बैठी हुई होगी। सास पता है क्या होती है, शौहर की जिम्मेदारी पता है क्या होती है, ब्ला 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 ब्ला। अब बस तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? नहीं। ये तुम अच्छी तरह जानती हो ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर पूछा क्यों? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। अम्मी मुझे शादी नहीं करनी, लड़का नहीं देखना चाहती, किसी से भी नहीं मिलना चाहती, मगर मैं कर रही हूं ना, मेरे जज्बात, मेरा दिल, मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिशें सबको मार कर कर रही हूं, आपके लिए और बाबा के लिए। अब जब थोड़ा दिल बेचारा रोता है तो चेहरे और होली पर असर आ जाता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, जब लड़के वाले आएंगे उन्हें मैं भिनक भी नहीं पड़ने दूंगी कि मेरे अंदर क्या है, सिर्फ बाहर से सजी सजाई पा। मैं जानती हूँ हर लड़की को माँ बाप का घर छोड़ते हुए तकलीफ होती है, लेकिन जब तुम्हारी शादी होगी तुम अपने घर में जाओगी ना, वहाँ खुश रहोगी ना, फिर मैं तुमसे पूछूंगी। अम्मी मैं चाइनीज में बातें करती हूँ और आप फारसी में, ना मुझे आपकी समझ आ रही है
और ना आपको मेरी किसी भी बात की। अरे बक मेरी बात तो सुनो बक। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बहुत मुबारक हो तुझे, इतनी खुशी तो तू कर लेना। ये नहीं सुधरेगी। क्या खाला आपकी। इस दफा मेरी बेटी की शादी भी होगी और राज भी करेगी। आओ ना, आओ आओ चलो आज। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट? ये क्या होता है? ओ, अकाउंट्स वगैरह देखते हैं ना। अच्छा अच्छा, मुंशीगिरी करता है। किफायत साहब, मुंशीगिरी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत पढ़ने के बाद बनता है। अपनी सोच को जरा वसी करो। मैंने प्राइवेट बीए किया। क्या यार किफायत, आजकल तो लोग अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवा रहे हैं, पर तुमने अपने बेटे को सिर्फ बीए कराया है, वो भी प्राइवेट। ये सब बाहर वाले ना ऐसी बातें करते हैं, वहां जाकर पता चलता है फ्रॉड है। बेटियों से काम कराएंगे, खड़ा होगा किसी स्टोर पर काम कर रहा होगा या बैरागिरी कर रहा होगा। भाई साहब, दूर के ढोल बहुत सुहाने होते हैं, जरा सोच समझ कर फैसला कीजिएगा। देखिए जुबैर भाई हमारे 10 साल तक पड़ोसी रहे हैं, उठाई गिरे नहीं है, और हमसे एक बार गलती हो सकती है बेटी देने में, बार बार नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाए आ जाए आ जाए। भाई तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ और अपनी बेगम और बच्चों को भी कह दो, वो आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। भाई साहब मैं जरा पड़ोस वाले घर में इंतजाम देख कर आता, मैं भी साथ चलता हूँ। आइए आइए चलो। हाय हाय मेरी लिपस्टिक का सबकी बची। इफ़त 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 देख लेना, दूल्हे वाले आ जाएंगे और हम लोग ना भूत बने बैठे रह जाएंगे। हीरोइन ने तो मुझे अपने कमरे में भी घुसने नहीं दिया। हमारे अपने बाप के घर में हमसे गैरों सा सलूक हो रहा है, पहले पूरे घर की लेपा पोती होगी, उसके बाद हमारी बारी आएगी। अरे मेरी बहन जल गई, जल्दी करो। अरे तुम्हारा जल रहा है, जल्दी करो। अरे क्यों परेशान होती हो जाएगी बात पक्की। कैसे ना परेशान हो, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि 3 बार क्या हो चुका है। हर बार यही लगता था कि बात पक्की हो गई है, लेकिन एंड टाइम पे लड़का मना कर देता था। उस बार बात कुछ और थी, अब ऐसा नहीं होगा। बड़ा ही नेक बच्चा है, और तुमने तस्वीर भी तो भेजी थी ना, अगर उसने इनकार करना होता तो तब कर देता, अब ऐसा नहीं होगा। उम्मीद तो मुझे भी बड़ी है, लेकिन खौफ सा है और शक भी। ये लड़के ऐसे नहीं भागते, जरूर उन्हें वक्त भगाती है, बस बाप के डर से ना फॉर्मेलिटी निभाती है। तुमने देखा नहीं अभी, उसने पॉलर वाली को अपने कमरे में नहीं घुसने दिया। कोई खौफ नहीं है, हो जाएगा इस बार, और ये सब ना ज्यादा सोचने का नतीजा। अब जल्दी से उठो, नीचे के इंतजाम भी देखने, मुझे पूरी उम्मीद है सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जो कुछ करना है हमें ही करना है। चलो चलो आ जाओ। फीलिंग एक्साइटेड? मतलब के कहानी में ट्विस्ट? ट्विस्ट नहीं है, कहानी पहले सीन से यही है, मुझे शादी नहीं करनी। मैंने तो तुझे कहा भी था मेरी जगह कर ले, बहुत खुश होती मैं। ओ हेलो, हर वक्त ना मजाक अच्छा नहीं लगता। करता क्या है? ख्याली हीरो है, ख्वाब बेचता है, और अगर तो आप पूछो उसके काम धंधे के बारे में तो हमारे टू भी दीजा जी बिल्कुल फारिग बन। शट अप इफी, MBA किया है, जॉब ढूंढ रहा है। तू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक सड़क छाप के पीछे रिजेक्ट कर रही है। बहरी है क्या, सुनाई नहीं दे रहा? MBA किया है, जॉब ढूंढ रहा है, अच्छी फैमिली से है। ओ हेलो, ये जो प्यार मोहब्बत का भूत होता है ना,
ये बच्चों के डायपर चेंज करने पे घुस पड़ जाता है। अच्छा लड़का है, शराफत से यहाँ कर, देख तेरी शादी हो जाएगी तो लंदन सेट हो जाएगी। बिग बैन, बकिंगम पैलेस, लंदन आए, हाय। तूने कभी मोहब्बत नहीं की ना, इसलिए तुझे ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें ना अच्छी लगी। एक बार मोहब्बत करके तो देख, फिर ये सारी चीजें हवा में उड़ती धूल से भी ज्यादा बेकार लगेंगी। आप तो उठे फाइनल टचअप कर लें, बहन के सर पे तो मोहब्बत का भूत सवार है, उन पे कोई असर नहीं होगा। आप अपना टाइम वेस्ट मत करें, पकड़े पकड़े जल्दी, मैं जा रही हूँ नीचे, आप आ जाए। क्या कह सकते हैं भाई, चचा जी मेरा आपको आपसे कुछ बात करनी है। क्यों, मेरा दिमाग ठीक है? क्या बात करनी बेटा? अरे बोलो बोलो, अपने ही अब्बा कुछ कहेंगे थोड़ी, खुल के बोलो। चलो क्या बात है मेरा बेटा, बताओ। मम्मी, मम्मी मैं कह रहा था कि अगर लड़की ही मुझे अच्छी ना लगी तो। लेकिन हमने उसको तस्वीर भेजी थी बेटा, तुमने कहा था बहुत अच्छी। बाबा अच्छी है और अच्छी लगने में फर्क है ना, मेरे ख्याल में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। लेकिन तुम्हारी इस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से यहाँ तो सारे मामला तय हो चुके हैं। वही उन्होंने हमारे लिए घर किराए पे ले लिया है, हमने शादी खाने वाने सब डिसाइड कर लिए हैं। लेकिन तुम को प्रेशर मत दो अपने ऊपर। मेहराब, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं पहुंचे ना तो मैं खुद को गोली मार। हेलो समरीत, समरीत मेरी बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, हाय। भाई कहाँ रह गए? कफी भैया, दूल्हा भाग गया। अम्मा, दूल्हा भाग गया? दूल्हा भाग गया? क्या भाग गया? Say